न्यूजीलैंड के एक 4 सितारा होटल के कमरों में बंद पाकिस्तान क्रिकेट टीम के सितारे आजाद होकर मैदानों में जगमगाने के लिए बेताब हैं। 24 नवंबर को क्राइस्टचर्च पहुंचने के बाद पहले कोविड टेस्ट में 6 पाकिस्तानी खिलाड़ियों का नतीजा मुस्बत आया। खिलाड़ियों को होटल में करंटीना के दौरान कवानीन की खिलाफ वर्जी करते हुए देखा गया, जिस पर न्यूजीलैंड के महकमा सेहत के बड़ों का रद्द अमल बड़ा सख्त था। जवाब में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के समझाने पर खिलाड़ियों का रवैया बेहतर हुआ, जिस पर न्यूजीलैंड के महकमा सेहत के तर्जमानों ने अपना बात करने का लहजा भी बदल दिया। पाकिस्तान के 2 साबिक खिलाड़ियों ने न्यूजीलैंड की जानब से सख्त तनबीह को 2 मुख्तलिफ जावियों से लिया। वसीम अकरम ने खिलाड़ियों को डांटा और कहा कि उन्होंने बच्चों वाली हरकत की है, उनको कोरोना के SOPs की खिलाफ वर्जी नहीं करनी चाहिए थी। जबकि शुएब अख्तर ने न्यूजीलैंड की ठीक ठाक क्लास ली और पाकिस्तानी खिलाड़ियों पर हाथ हौला रखा। तहम वार्निंग के बाद काफ़ी बेहतरी आई है खिलाड़ियों के रवैयों में, अब प्रोटोकॉल का पूरा ख्याल रखा जा रहा है। पाकिस्तान के 53 रुकनी दस्ते के अराकीन का कुल 4 मरतबा टेस्ट मुकम्मल होते ही हमारे शाहीन पिंजरे से उठकर अपने शिकार की तैयारी के लिए प्रैक्टिस सेशन शुरू करने वाले हैं। इधर पाकिस्तानी खिलाड़ियों की कैद तन्हाई के बरक्स न्यूजीलैंड एक दूसरी मेहमान टीम के खिलाफ T20 सीरीज जीतकर अपने हाथ खोल चुका है। अब उसे वेस्टइंडीज के खिलाफ 2 टेस्ट मैचेस खेलना है। जब दोनों टीमें 15 दिसंबर को आखिरी टेस्ट खेलकर फारग होंगी तो पाकिस्तान अपने मेजबानों की तलख जबानी का बदला चुकाने के लिए तैयार होगा। 18 दिसंबर से 3 मैचों पर मुश्तमिल T20 सीरीज का आगाज हो रहा है। T20 रैंकिंग में पाकिस्तान इस वक्त 4थे और न्यूजीलैंड 6ठे नंबर पर है। टेस्ट क्रिकेट में पाकिस्तान 7वें और न्यूजीलैंड 2रे नंबर की टीम है। दिलचस्प अदादोशुमार आपको बताते जाएं कि पूरे न्यूजीलैंड की आबादी 4.9 मिलियन है, यानी पूरी 50 लाख की आबादी भी नहीं है। हमारे लाहौर की आबादी 7 मिलियन है, लेकिन अपनी 50 लाख की आबादी के तहफ्फुज़ के लिए उन्होंने हमारे शहीनों पर सख्त पाबंदियां लगाईं।